नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और फिट होगे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है खजूर। आज हम खजूर के बारे में बात करेंगे, खजूर के फायदे, उसके नुकसान, उसको खाने का तरीका और उसकी विशेषता के बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम खजूर के बारे में बात करने से पहले, तो इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और भरत पांडे बाबा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बात करते हैं खजूर के फायदे के बारे में। खून की कमी दोस्तों जिनको होती है, एनीमिया से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए रामबाण चीज है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चाहूँगा, हीमोग्लोबिन लेवल को ये इम्प्रूव करता है। खजूर अगर आप पर डे यूज़ कर रहे हैं खजूर का, तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करेगा। और एक बात और, हड्डियाँ, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। कैल्शियम सेलेनियम से भरपूर है ये, प्लीज़ इसका सेवन जरूर करिए। कब्ज़ की शिकायत जिन्हें रहती है, जो कब्ज से ग्रसित लोग हैं, वो भी इसका यूज़ करिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करके कब्ज़ वाले इसको अगर 2 से 4 रोज खाली पेट सुबह भी खाते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, कब्ज़ में इम्प्रूवमेंट करेगा। विटामिन की कमी से जिनके बाल कमज़ोर होते हैं, ये आपके बालों को भी मजबूत करता है, इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके और फायदे के बारे में। दोस्तों जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए बेहद कामगार है। इसमें सल्फर पाया जाता है, जो बहुत कम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सल्फर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत कम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, और खजूर में सल्फर होता है, तो एलर्जी के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है खजूर। अब हम इस आते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करने। देखिए ज़्यादा खजूर खाने से क्या होता है, आपके दांतों में सड़न आने की शिकायत रहती है, तो खजूर का सेवन ज़्यादा मात्रा में ना करें। ज़्यादा वजन वाले जिनका वेट ज़्यादा है, जो पहले से ही ऑलरेडी फैटी हैं, वो इसको खाने से बचें, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये एकदम से आपके वजन को बढ़ाता है। और एक चीज़ और, खजूर बहुत मीठा होता है, नेचुरल मीठी चीज़ है खजूर, तो खजूर को डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं वो खजूर को कम इस्तेमाल करें। अच्छा, अधिक सेवन इसका करने से, खजूर का अधिक सेवन करने से आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है, तो इसलिए इसको अधिक मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अधिक सेवन करने से आपका ब्लड शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है दोस्तों। अब ज़्यादा सेवन करने से जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें भी नुकसान करता है, सल्फाइड की मात्रा इसमें पाई जाती है, सल्फाइड आपके स्किन को नुकसान कर सकता है। इसका अधिक सेवन करने से आपके स्किन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें सल्फाइड होता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से कब्ज हो सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कब्ज को ये फायदा भी देता है, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो इसकी कब्ज की और आपकी कब्ज को बढ़ा भी सकता है। अब बात करते हैं इसकी तासीर की। इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है, गर्मियों में ये बेस्ट होता है खाने के लिए। अब बात करते हैं हम इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सोडियम अल्प मात्रा में पाया जाता है, मिनरल, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन बी, सल्फर, इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, और भी अनगिनत चीज़ें इसमें पाई जाती हैं दोस्तों। तो खजूर का सेवन आप ज़रूर करिए, ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी कामगार चीज़ है। अब बात करते हैं इसके खाने के तरीके की। दोस्तों मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूं तो मैं तो इसको सुबह खाली पेट खाता हूं। अब कुछ लोग इसको नाश्ते के बाद भी खाते हैं, और एक चीज़ मैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताता हूं। चीनी के बदले भी आप जहां जहां पे आप चीनी का यूज़ करते हैं ना, आप चीनी के बदले भी इसका यूज़ कर सकते हैं। खजूर को आप धूप में सुखाइए, धूप में सुखाने के बाद आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करिए, और जहाँ जिस चीज़ में आप चीनी का यूज़ करते हैं आप खजूर का यूज़ करिए, क्योंकि खजूर एक नेचुरल मीठी चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खजूर बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है, खजूर को खाइए, ये आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि खजूर हमें कितना खाना चाहिए। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो उसको सुबह 3 से 4 पर डे अपने रूटीन में डालिए खाली पेट खाने के लिए,
बेहतरीन रहेगा। और जो वर्कआउट करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो इसको 6 से 7 खजूर के दाने को पर डे खाइए, ये आपकी सेहत में काफ़ी काम करेगा। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है। भरत पांडे बाबा चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं कल एक अल्मोड़ा में एक डॉक्टर से मिला हूँ, उन्होंने मेरे को हमारे पहाड़ में होने वाली बिच्छू घास के बारे में बताया, तो उसके बारे में अभी थोड़ी सी रिसर्च चल रही है, मैं उसके बारे में अगली आपको वीडियो पक्का बताऊंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी हमारे बिच्छू घास के बारे में। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो और स्वस्थ रहो।